buy sell rent properties at Propnation India. बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे मोती रेजिडेंसी में ऑलरेडी बना हुआ एक 2 BHK जिसका साइज है 1152 स्क्वायर फीट और ये एक 2 BHK प्लस स्टोर है। हमेशा की तरह इसमें हमने आपको जो डायमेंशन हैं वो स्क्रीन पर आपके लिए डाले हुए हैं और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसमें जो भी चीज़ें आप एज ए फिटिंग देख रहे हैं, चाहे वो ये आयरन गेट है या जो भी आप इसमें वुडवर्क देखेंगे, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट का पार्ट हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट जब आप परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लैट के साथ में मिलती हैं। अगर 2 BHK के लिहाज से आप इस फ्लैट को देखते हैं तो ये एक काफ़ी स्पेसियस फ्लैट है, क्योंकि इसमें आपको 4 बैल्कनीज, काफ़ी बड़ा स्पेसियस ड्राइंग और डाइनिंग रूम जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर भी है, 2 काफ़ी बड़े बड़े कमरे, 2 टॉयलेट्स और एक ड्यूअल काउंटर वाली किचन जिसमें कि आपको सारा वुडवर्क विद चिमनी एंड RO मिलता है आपको। मोती रेजिडेंसी पर हम ऑलरेडी कम से कम 4 से 5 वीडियोज कर चुके हैं। अगर आप उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या इस सोसाइटी में मिल रहे अमेनिटीज़ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो उन वीडियोस के लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ेंगे इस वीडियो के, और इसके एंड स्क्रीन पर भी हम उसमें से करीब 3 से 4 वीडियोस आपके लिए रखेंगे, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। इस फ्लैट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं पर कोप्ड अप हैं या बंद जैसा फील करें, क्योंकि हर जगह पर आपको एक स्पेशियस बैल्कनी यहां पर दी गई है। इसकी प्राइसिंग हम इस वीडियो के एंड में आपको अवश्य बताएंगे, और अभी आपके स्क्रीन पर है किचन के साथ जुड़ी हुई है यूटिलिटी बैल्कनी जिसको आप एज ए वॉशिंग एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पूरा वुडवर्क एक स्टैंडर्ड यूनिट का पार्ट है जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, और मोती रेजिडेंसी के जो लवर्स हैं या मोती रेजिडेंसी में जो लोग रहते हैं या जो यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है कि जो RRTS दिल्ली टू मेरठ कनेक्ट करने के लिए जो कॉरिडोर बन रहा है उसका काम स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले जो काम स्टार्ट हुआ है जिस सेक्शन में, वो सेक्शन मोती रेजिडेंसी से सिर्फ 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस जगह की वैल्यू, इस जगह की अप्रोचेबिलिटी और इस जगह के रेट्स कितने अच्छे होंगे। डिम लाइट के कारण से आपको बहुत ज्यादा तो नहीं दिखेगा बाथरूम्स में, बट बाथरूम्स में जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो सारी आपको लगकर मिलती है, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे वो लुकिंग मिरर हो, या जो भी इसके जो आप देख रहे हैं सारी सैनिटरी फिटिंग्स, वो सब आपको एज इट इज मिलती हैं। इसमें आपको लाइट फैंस, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि इसमें लाइट फैंस, एग्जॉस्ट फैंस जैसा कि हमने आपको बताया वॉशरूम में, लुकिंग मिरर्स और वुडवर्क पूरा, मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ें आपको लग के मिलती हैं, और एक जो इसकी वॉल है वो टेक्सचर्ड पेंटेड मिलती है जो कि ड्राइंग डाइनिंग की एक वॉल होती है। अभी क्योंकि ये फिनिशिंग स्टेज पर है, पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है फ्लैट इसमें, जैसे कि आपने देखा कि अभी इसमें चिमनी और RO भी नहीं लगे हुए हैं, तो वो टेक्सचर्ड पेंट भी जब फाइनल स्टेज इसकी आती है डिलीवरी की, उस टाइम पे करके आपको दिया जाता है। और ये है कॉमन वॉशरूम जो कि इस बेडरूम के साथ में और ड्राइंग डाइनिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस फ्लैट की एक और USP है, एक तो ये कि ये बजट ओरिएंटेड फ्लैट है, बड़ा होने के बावजूद भी काफ़ी सस्ता है। इसकी कीमत है सिर्फ 33 लाख प्लस मीटर चार्जेस प्लस रजिस्ट्री, और इसमें साथ में आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा एक स्पेस मिलता है इन द शेप ऑफ अ स्टोर, जो कि एक रीजनेबल साइज़ है। 4 फीट बाई 5 फीट का ये एक स्टोर है जिसमें आप अपना जो भी
स्पेयर सामान होता है घर का वो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, और साथ में ही है एक अटैच्ड बालकनी भी। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो भी रीजनेबल रेट्स में या जो भी हैपनिंग्स हैं आसपास के एरिया की उससे आपको अवगत कराते रहें समय समय पर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रियल एस्टेट पर काफ़ी सारे वीडियोज़, काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।